तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले तीन या चार टॉपिक्स पे जो इस वक्त सबके मन में कुछ सवाल है कि क्या बजट के पहले हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट आ गई या मार्केट में गिरावट आ गई तो क्या हम इमोशनल होकर अभी इन्वेस्ट करेंगे और बाद में मार्केट गिरेगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे, क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करना है। तो मेरे हिसाब से ये सवाल का जवाब आपको यहाँ मिलेगा, बेस्ट शेयर्स टू बाई इन 2022 अंडर वैल्यूड स्टॉक्स शुगर टेक्सटाइल केमिकल में। और ये मैंने निफ्टी शुगर इसलिए कहा हुआ है क्योंकि ये फ्यूचर है, जहाँ पे आप देखोगे कुछ सालों में आपको एक सेपरेट इंडेक्स दिखेगा इन सेक्टर्स के लिए, शुगर टेक्सटाइल और केमिकल, ये बात मेरी आप याद रखना। उसके बाद स्वच्छ पोर्टफोलियो अभियान, ये जो रिसेंटली फॉल आया था तो दो वीक पहले ही मैंने आपसे कहा था कि कुछ कंडीशन है जो आपके स्टॉक को फॉलो करना चाहिए, अगर नहीं होते तो उन्हें एग्जिट कीजिए और क्वालिटी स्टॉक्स में अपने पैसे को मूव कीजिए, अपना हार्ड एंड मनी सही जगह पे लगाइए। तो सब मार्केट में गिरावट आई थी लेकिन ये स्टॉक ज़्यादा पीटे थे, जो मैंने आपसे कहा था कि जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ पे आई होप आपको हेल्प मिला होगा और आपका पैसा बचा होगा। और टॉप स्टॉक्स टू बाय बिफोर बजट 2022 ये मैंने दोबारा अभी बनाया रिसेंटली, एग्रीकल्चर, डिफेंस और बैंकिंग में। तो फिर आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आपको पेनी स्टॉक्स बताने वाला हूँ। और पेनी स्टॉक सुन के काफ़ी लोग खुश हो जाते हैं और सारा जो कैपिटल है, सारा जो पैसा है वो क्वालिटी स्टॉक से निकाल के सब कुछ पेनी स्टॉक में डाल देते, और ये सब करने के बाद अगर वहाँ पे गिरावट आती है तो आपको लगता है कि शायद मैंने पॉलीकैब में डाला होता, या दीपक नाइट्रेट में डाला होता, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में डाला होता, या फिर ICICI बैंक में डाला होता। अब दोस्तों मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियरली बता दूँ इससे पहले कि मैं आपको वो स्टॉक्स के नाम बता दूँ। एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्राइडेंट, जो मैंने पहले भी दिया था, ये मेरा SIP का वीडियो है 3 जुलाई को, ये ट्राइडेंट मैंने 16 रुपये पे दिया था। तो इतने सारे स्टॉक में एक ट्राइडेंट, HPCL, IRFC, इवन अगर आप देखोगे तो HFCL था, मर्केसन्स था, बॉम्बे डाइंग था, तो ये सारे स्टॉक्स जो है उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सारे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद कुछ फंड्स बचता है तो फिर आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, ये बिलो 100 स्टॉक्स है जिनमें चार्ट्स में एक्सेप्शंस होते हैं, जिनमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये स्टॉक्स आपके पैसे को डबल भी कर सकते हैं, 3 गुना भी कर सकते हैं, या फिर 40-50% नीचे भी गिर सकते हैं और शायद उसके बाद बाउंस बैक भी दे सकते हैं। तो आपको ऐसा पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे अगर कोई लॉस होता है या फिर कोई गिरावट आती है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना रिस्क लेने के लिए, उतना रिस्क रिवॉर्ड लेने के लिए। और अगर आप SIP करना चाहते हो तो आपके सामने ये सारे वीडियोज़ है, और इन सारे वीडियोज़ में एक अलग अलग थीम है, मोनोपोली का बिजनेस, फ्यूचर ऑफ इंडिया, या फिर ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, सब कुछ। अब दोस्तों ये स्टॉक देने से पहले हम संक्षिप्त में थोड़ी देर में हम बात करेंगे थोड़ी देर के लिए हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। चार्ट को आपको दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों जब मार्च में फॉल आया था कोरोना में, ये उस वक्त का पी रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो शेयर का प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी का या किसी भी इंडेक्स का जो अर्निंग है, इस केस में निफ्टी का, वो आपके सामने 18-19 का जो पी रेशो आप देख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि काफ़ी ओवरसोल्ड मार्केट है और यहाँ से हमने बाउंस बैक भी आते हुए देखा था। और उसके बाद एग्जैक्टली एक साल बाद अगर आप देखोगे तो यही पी रेशो बिल्कुल ओवरबॉट जोन में चला गया था 40 के आसपास, तो यहाँ पे भी हमने फॉल नहीं देखा था। और ये तब की बात है जब IRCTC 5,500 पे था और काफ़ी बैंक निफ्टी आई थिंक 39,000 पे था, निफ्टी 18,000 के आसपास था, तो ये उस वक्त भी काफ़ी लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, जबकि मार्केट का जो पी रेशो था निफ्टी का वो 40 पे था। आज की अगर हम बात करें तो आज का जो पी रेशो है वो है 23 पे। तो क्या ये सही समय इन्वेस्ट करने के लिए? तो यस, मेरा ऐसा मानना है कि ये सही समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट समय है या फिर ये बेस्ट प्राइस है, ये ड्रीम प्राइस है, इससे लो हम नहीं जाएंगे, ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप 40 के पी रेशो पे इन्वेस्ट कर सकते हो और 18 से हमने बाउंस बैक आते हुए देखा है, तो 23 पे आपका बाय करना डेफिनेटली बनता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो कोरोना का जो क्रैश आया था वो हर साल आएगा, वो हमने कुछ सालों में एक बार आते हुए देखा था और उसकी वजह से हम 18 तक चले गए थे। लेकिन 23 के पी रेशो में मुझे लगता है आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स में, चाहे वो IT हो, मेटल हो, बैंक हो, फार्मा हो, आपको वहाँ पर इन्वेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए। और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, इसके लिए ये वीडियोज़ आपकी हेल्प करेंगे। ये देखिए सारे वीडियोज़ में आप चाहे तो देख सकते हैं, मैंने रीज़न भी दिए हुए और मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ। आप SIP भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये फॉल जो हुआ है इसमें आपको मौका छोड़ना नहीं चाहिए, आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, खास करके निफ्टी IT में जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि इस केस में आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से, और फिर मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे स्टॉक जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है। दोस्तों निफ्टी में चार लेवल्स में आपको पिछले दो तीन हफ्ते से दे रहा हूं, वो है 18,000 का, या फिर यूँ कहिए कि 18,400 के आसपास, 17,650 का लेवल, 16,800 का लेवल और 16,400 का। 16,400 का जो लेवल है यानी ये वाला, काफ़ी रेयर केस था कि हम यहाँ तक जा सकते थे, तो ये मैंने पहले भी कहा था और उस वक्त हमें यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल गया था, तो ये ज़रूरी नहीं था कि हम यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे तो इसके चांसेस कम थे, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पे आ गए। और ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे, ये जो जोन आप देख रहे ये वाला जोन, तो इसके जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है इसको हमने पहले रेजिस्टेंस लिया था और अभी एग्जैक्टली उसी को हम सपोर्ट ले रहे, तो इसकी वजह से आपने यहाँ पे बाउंस आते हुए देखा मार्केट में। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं यानी एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए बिल्कुल उसी 16,800 को टच करके, 16,845 आई थिंक या 835 को टच करके हमने यहाँ पे बाउंस बैक आते हुए देखा था, और यही लेवल था जो मैं आपको दे रहा हूँ। और यहाँ से दोस्तों अगर हम इस लो को ब्रेक कर देते तो इन नो टाइम हम 16,500 या 16,400 तक आ जाएंगे, तो जो बड़ा फॉल आएगा, जो बड़ा 300-400 पॉइंट की गिरावट आएगी, वो आएगी अगर हम इस लेवल को तोड़ देते 16,800 को। और दोस्तों उसके बाद जो कोरोना वाला क्रैश है, जो बहुत बड़ा फॉल है, जो हम कहते हैं कि फ्री फॉल है, वो तब आएगा जब ये 16,400 का लेवल टूटेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ था इस लेवल को क्रॉस करने से पहले, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, तो ये आपके लिए मौका रहेगा बाइंग करने का। फिलहाल तो हम यहाँ पे नहीं आ रहे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हम आएंगे या नहीं आएंगे, मैं दोनों तरफ की बात करूँगा। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे आते तो आपको एग्रेसिवली बाय करना है 16,400 पे। ऊपर के साइड जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्रॉस करने के बाद यानी 17,600 को अगर हम क्रॉस करते तो हम जाएंगे 18,000 और उसके बाद 18,400 या ऑल टाइम हाई के पास। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन बजट कि बजट में क्या आता है, बजट में कोई टैक्स बढ़ा दिया तो फिर वहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी, बजट में एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुए, या फिर कुछ ऐसा सरप्राइजिंग आपको नहीं मिला, या फिर कुछ भी निगेटिव आया तो हो सकता है आपको एक सेंटिमेंट निगेटिव आते हुए दिखेगा, हो सकता है हम यहाँ से 16,400 तक जा सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बजट का जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है, तो बहुत ही एक बड़ा निगेटिव पॉइंट चाहिए हमें नीचे गिरने के लिए। और अगर मान लीजिए बजट में कोई भी एक रिलीफ आता है, कोई अनाउंसमेंट आता है, कोई पैकेज आता है, या कोई भी ऐसी चीज़ आती है, या फिर मैं कहूँगा कि जैसा बजट पिछले साल था वैसा ही अगर आता है, तो भी हम देखेंगे यहाँ से बाउंस बैक आते हुए। तो ये रहे मेरे बड़े लेवल्स। नीचे का लेवल है 16,835 का, ऊपर का लेवल है 17,600 का। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा लेवल अभी के लिए कौन सा है, तो अभी के लिए आपको 17,100 का पी बाय करना है। अगर हम यहाँ से नीचे आते तो हम 16,800 तक चले जाएंगे, लेकिन ये पी आपको बाय करना है अगर हमने 17,060 का जोन यानी ये वाला जोन अगर हमने तोड़ दिया ये वाला यहाँ पे, तो फिर आपको 17,100 का पी बाय करना है जहाँ से हम चले जाएंगे 17,000 के पास, या 17,000 या फिर हो सकता है हम दोबारा इसी लाइन को टच करेंगे यहाँ पे, और हो सकता है इसके बाद आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो ये हमारा लेवल रहेगा। ऊपर के साइड दोस्तों जो हमने आज हाई बनाया हुआ है अगर आप देखोगे तो ये वाला लेवल यहाँ पे, तो 17,500 का जो लेवल है, या फिर आप ये कहिए कि यहाँ पे भी हमने एक हाई लगाया था 17,495 के आसपास, तो 17,500 का लेवल जब क्रॉस होगा तब इमीडिएटली आपको 100 पॉइंट का अपसाइड यहाँ पे दिखेगा। तो 17,500 अगर क्रॉस हो जाता है तो आप वहाँ पे 17,500 का सी बाय कर सकते हो, और मेरा लेवल टारगेट होगा 17,600 का। लेकिन इमीडिएटली अगर मैं बात करूँ तो मेरा लेवल रहेगा ये 17,250 का, जस्ट अ मिनट, ये वाला, ये देखिए। तो ये दो लेवल पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इमीडिएट जो लेवल है वो है 17,250 का, या फिर यूँ कहिए 17,280 का। तो 17,200 का सी आपको बाय करना है, सॉरी 17,300 का सी आपको बाय करना है अगर हमने 17,280 के लेवल को क्रॉस किया। उसके बाद आपको बड़ा कंफर्मेशन चाहिए, तो 17,500 का लेवल जब क्रॉस होगा तब हम 17,650 पे जाएंगे। नीचे के साइड अगर हमने 17,080 का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर हम 17,000 और 16,800 पे चले जाएंगे। ये लेवल मेरा रहेगा निफ्टी के लिए। दोस्तों ध्यान रखिए, प्रीमियम इस वक्त 600-700 के प्राइस पे अगर आप इन द मनी की बात करेंगे बैंक निफ्टी में, और अगर हम निफ्टी की बात करेंगे
तो फिलहाल प्राइस है 17100 का, जो आप यहाँ पे देखोगे। और यहाँ पे इसका प्रीमियम देखिए वो है 350, और आगे अगर देखोगे तो 300 के आसपास। और अगर पुट साइड में देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइटिंग हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोच समझ के बाय करना चाहिए और लेवल्स के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। अगर आपका लेवल आता है तो ही आपको वहाँ पे बाइंग करना है, अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि फिलहाल बाइंग या शॉर्ट मत कीजिए ऑप्शन को। ये देखिए अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 1000 का प्रीमियम, यहाँ पे 400 का प्रीमियम, तो यहाँ पे राइटिंग हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है 38,000 पे, तो ये 1000 का प्रीमियम अगर आप बाय करोगे तो कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा, और उसके बाद अगर कोई गिरावट आती है तो वहाँ पे जो थीटा फैक्टर हम कहते हैं टाइम फैक्टर, उसकी वजह से प्रीमियम डिकेइंग भी होगा, तो यहाँ पे आपका SL हिट होगा और उसके बाद शायद आपको अपसाइड दिखेगी। तो बेहतर यही होगा कि इन लेवल्स का आप वेट करें। मेरे लिए नीचे का लेवल होगा 17,080 का, जहाँ पे आपको 70-80 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। 17,250 का मेरा ऊपर का लेवल, और उसके आगे 17,500 का बड़ा लेवल। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो मैं हमेशा इस कंसोलिडेशन जोन की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैं पिछले जनवरी से लेके, यानी जनवरी के मंथ से शुरुआत से लेके मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ, और मैंने ये कहा भी था कि इस जोन को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा, और यही वजह है कि हम यहाँ से नीचे आ गए। ये देखिए क्योंकि इस जोन को क्रॉस करने के लिए हमें एक महीना लगा था, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है कि एक महीना आपको शायद वेट करने को मिले और उसके बाद आपको एक बड़ा ट्रिगर मिले। तो यहाँ पे जो मेरा बड़ा ट्रिगर होगा, बड़ा लेवल होगा, वो होगा ये 37,000 और 39,000 का। ये मैं बड़े लेवल्स की बात कर रहा हूँ, इमीडिएट लेवल्स की नहीं, बड़े लेवल की। और अगर मैं यहाँ पे इमीडिएट लेवल्स की बात करूँ तो आप देखोगे ये निफ्टी का आवरली, बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है, ये देखिए यहाँ पे 37,500 के आसपास, ये अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर हम 37,250 और 37,000 तक आ सकते हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी इसके नीचे आ चुके हैं, 38,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो अगर ये लेवल टूट जाता है 37,500 का, यानी ये वाला लेवल, तो फिर हम यहाँ से नीचे आ सकते हैं। तो अगर 37,500 के नीचे आपको कोई भी 10-15 मिनट का कैंडल दिखता है तो फिर आपको, या फिर मैं कंफर्मेशन के लिए कहूँ 37,450 को अगर हम ब्रेक कर देते 37,450, तो फिर आपको 37,400 का पी बाय करना है। टारगेट होगा 37,250 और 37,000, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 37,600 का। और ऊपर के साइड अगर मैं बात करूँ तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये देखिए जहाँ से हम ऊपर आ चुके, नीचे आ चुके, ये वाला लेवल, एक ये लेवल और एक हमारा 38,000 का लेवल, तो इन दोनों लेवल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर हमें ऊपर जाना है। तो यहाँ से अगर हम ऊपर जाते तो पहला जो लेवल होगा वो होगा 38,000 का रेजिस्टेंस, और दूसरा होगा 38,250 का। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम 37,800 को क्रॉस करते, 37,800, तो यहाँ से मेरा टारगेट होगा 38,000, जिसके नज़दीक हम जा सकते अगर इसे क्रॉस करते तो 38,250। तो मेरा जो नीचे का लेवल है वो है 37,500 और ऊपर का लेवल है 37,800। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, और आपको ऑप्शन राइटिंग करने में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, खास करके बाइंग साइड पे। तो वहाँ पे अगर आप राइट करोगे तो मुझे लगता है बजट के पहले प्रीमियम डिकेइंग ज़्यादा नहीं होगा, और अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो वहाँ पे इतनी वोलेटिलिटी है कि 1000 का जो प्रीमियम है वो 900 पे या 850 पे आएगा, और हो सकता है उसके बाद बाउंस बैक दे देगा, तो फिर उसकी वजह से आपका SL हिट हो सकता है। तो इसीलिए आपको लेवल्स के लिए एग्रेसिव रहना है। अब बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम उन स्टॉक्स के बारे में जिनकी मैं बात कर रहा था। सबसे पहले ट्राइडेंट। दोस्तों अगर आप ट्राइडेंट के फंडामेंटल्स को देखोगे तो मार्केट कैपिटल है 30,000 करोड़ का। जब मैंने ये 16 रुपये पे ये स्टॉक दिया था तो उसके बाद उनका, उस वक्त उनका मार्केट कैपिटल था लगभग 18 या 19 हज़ार करोड़ का, अब जो पहुंच गया है 30,000 करोड़ पे। तो यहाँ पे स्टॉक का पी है 40 पे, और अगर आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो मुझे लगता है ये 100 पे। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन दिख रहा है ट्राइडेंट में, तो यहाँ पे इसीलिए आपको थोड़ा सा डिप में बाय करना होगा। टेक्सटाइल का ये कंपनी है, और अगर आप देखोगे तो यान और बात लिनेन केमिकल्स और कैप्टिव पावर में भी इनका बिजनेस है, तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, और इसीलिए मैंने इसको शेयर किया था। ये अगर हम एक साल का चार्ट देखेंगे तो विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि स्टॉक पहले 400 पे या 500 पे था, फिर गिरावट आ गई और उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है, तो उतनी बड़ी गिरावट पहले नहीं आई हुई, तो विच इज़ रियली पॉजिटिव साइन। और यहाँ से अगर उस तरह की अपसाइड आपको शुरू से देखने को मिल रही है स्टॉक में, तो विच क्लियरली इंडिकेट्स कि फंडामेंटली बहुत अच्छा है स्टॉक। कंपनी का डेप्थ कम हो चुका है, उसके बाद काफ़ी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी दिए हुए, और एक हेल्दी डिविडेंड भी है जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है।
और स्टॉक की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, और उसके बाद सेल्स का जो ग्रोथ है लास्ट 5 साल की बात करेंगे तो वो कम है, लेकिन रिसेंटली मुझे लगता है एक अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट इन्होंने दिया हुआ है। अभी के लिए अगर हम बात करें 3 साल के तो रिटर्न्स कम है क्योंकि स्टॉक ने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया हुआ है और इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, पी का कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पी है वो यहाँ पे जिंदाल और गरवारे का आपको दिख रहा होगा, लेकिन उनका जो शेयर है और उनका जो अपसाइड है वो अभी पेंडिंग है। ट्राइडेंट में काफ़ी ज़्यादा अपसाइड ऑलरेडी आ चुका है, तो मुझे लगता है कंपनी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए इंट्रेंसिक वैल्यू का आपके पास सफिशियंट डेटा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन है। और अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो आप देखोगे वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये देखिए एक कंटिन्यूस अपसाइड आपको दिख रही है, खास करके यहाँ से 26 रुपीज़ से हम जो ऊपर जा रहे हैं वो ऊपर की तरफ आपको कहीं भी बड़ा कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 68 का RSI वीकली चार्ट में, विच इज़ रियली पॉजिटिव। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ से इसी जोन में आपको ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से कहीं पे भी इस जोन पे आते हैं, यहाँ पे ये इस जोन पे अगर हम आते हैं, इस सपोर्ट जोन पे 50 के आसपास, यानी यहाँ से 10 रुपीज़ नीचे, तो आपका डेफिनेटली बाय बनता है। मेरे हिसाब से वो सही प्राइस है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। मुझे लगता है इसी साल में अगर हम यहाँ से ये जो लेवल है इसे नहीं तोड़ते, ये देखिए यहाँ पे 37 का लेवल, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड कंटिन्यूस होता रहेगा। 37 का मेरा SL इसलिए रहेगा क्योंकि ये हमारा एक लो भी बना था और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जब हमने इसे क्रॉस किया था, और नीचे आने के बावजूद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर हमने एक अपसाइड दिया हुआ, तो 37 का मेरा SL रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस जोन में, ये जोन अगर सेफ रहेगा तो फिर हम यहाँ से ऊपर जाते रहेंगे 60 या 80 के आसपास। मुझे लगता है दोस्तों यहाँ से कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। टेक्सटाइल के लिए कोई थीम या कोई पैकेजेस आता है या कोई अनाउंसमेंट आता है तो डेफिनेटली इनको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ से एक साल में अगर हमने ये जो लेवल है 70 का इसे तोड़ दिया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम 3 डिजिट में इस स्टॉक को जाते हुए देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों यहाँ पे GMR इंफ्रा। दोस्तों वीकली RSI है 52-53 के आसपास, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें जो अपसाइड आई हुई है, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे तो एक कंटिन्यूस अपसाइड आपको दिखेगी जैसे हमने ट्राइडेंट में देखा था, बिल्कुल उसी तरह की अपसाइड नहीं कहेंगे लेकिन एक अच्छी खासी अपसाइड जो यहाँ से जो शुरू हुई है, ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, तो इस जोन में हम ऊपर जा रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं कहीं पे भी, हो सकता है उतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को ना मिले क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको मिडल लाइन पे एक सपोर्ट दिखेगा, ये देखिए इस जोन में। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि हम एग्जैक्टली सपोर्ट पर आ चुके, आप 38 का SL ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कॉशियस रहना है इस स्टॉक में, और मुझे लगता है हम एक बार 48 के आसपास ज़रूर जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं, SL को सेफ रखते हैं या 48 को भी क्रॉस कर देते तो मुझे लगता है हम 60-70 तक ज़रूर जा सकते हैं। दोस्तों इनका जो बिज़नेस है वो है ऑपरेशन ऑफ एयरपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर, कोल माइनिंग, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। हाईवेज़ में 24,000 का इनका मार्केट कैपिटल भी है, और इन्होंने जो ऑल टाइम हाई लगाया था वो है 46 का, अगर वो टूट जाता है तो जैसा मैंने कहा कि 48 को अगर हम क्रॉस कर देते तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक उसी चैनल में हम घूमते रहेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हो सकता है 60-70 के टारगेट आपको यहाँ पे दिखेंगे। दोस्तों यहाँ से अगर हम चार्ट देखेंगे इसका, तो मुझे लगता है 3 साल का अगर मैं चार्ट देखूँ तो ये देखिए अच्छी खासी एक अपसाइड आपको दिखेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं कि 400-500 पे स्टॉक था एक ज़माने पे यस बैंक की तरह और वहाँ से नीचे आ गया। इंटरेस्ट टू कवरेज रेशियो कम रहेगा और होल्डिंग डिक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर में, पुअर सेल्स ग्रोथ दिया है 5 साल में, और प्रमोटर्स का प्लेज ज़्यादा है। तो दोस्तों ये 5 साल का जो ग्रोथ है ये फिलहाल मैं कहूँगा कि रिसेंटली आप इसको इग्नोर कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए। प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो कम हुआ है और प्लेज होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है ये धीरे धीरे कम होता रहेगा। और कंपनी का जो फंडामेंटल है और जो बिज़नेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, ओवर वैल्यूड नहीं है, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर आप बाय करना चाहते हो, अगर आपको एक छोटा सा कंपनी चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में, तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों शुगर सेक्टर में मैंने आपको बलरामपुर चीनी दिया था, धामपुर शुगर्स दिया था, उसके बाद त्रिवेणी भी दिया था, लेकिन अगर आपको एक छोटा सा स्टॉक और भी ऐड करना है उस लिस्ट में तो फिर आप इस स्टॉक में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हाई लगाया था 2017 में 78 रुपीज़ के आसपास,
और उसको हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है विथ वेरी वेरी गुड कैंडल। ये देखिए वीकली कैंडल अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल है जिसके साथ हमने इसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है जो है 79-80 रुपीज़ के आसपास। और यहाँ से मुझे लगता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट जब इस तरह से आपको मिलता है तो मुझे लगता है यहाँ से प्राइस एटलीस्ट 70-80% तक जाना चाहिए अपसाइड एक साल में, एक या डेढ़ साल में। तो मुझे ऐसा लगता है एक डेढ़ साल में आपको यहाँ पे अपसाइड आते हुए दिखेगा। और अभी जो रिसेंटली गिरावट आई थी मार्केट में, बहुत ज़्यादा गिरावट, तो यहाँ पे ये जो कैंडल बना हुआ है इसका जो बाउंस बैक आया हुआ है ये लगभग उसी प्राइस पे आया हुआ है 80-81 से। ये देखिए तो उसको आप SL पकड़ सकते हो। ये जो जोन है यहाँ पे ये देखिए, तो इसके हाई प्राइस को आप यहाँ पे SL पकड़ सकते हो। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होगा, पहला टारगेट होगा 3 डिजिट का, जिसके आसपास हम आ चुके हैं। तो लेट से 120 का टारगेट, 150 तक भी हम जा सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेल करना होगा प्रॉफिट को। इसमें दोस्तों एक ट्राइडेंट के कंपैरिजन में इनका मार्केट कैपिटल थोड़ा सा कम है और इनका जो बिजनेस है वो मेनली सिर्फ शुगर में, तो आपको एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुगर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है आने वाले दिनों के लिए। इसका चार्ट बहुत बढ़िया है जहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी आ चुका है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो कोई भी एक गवर्नमेंट का पैकेज आता है या जो भी बजट में कोई एक की पॉइंट आता है तो ये स्टॉक आपके पास होना चाहिए। डेप बहुत कम है, अगर हम बात करेंगे 3 साल की तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है, हेल्दी डिविडेंड भी दे रहे हैं 23 का। और स्टॉक इस वक्त बुक वैल्यू से 2.5 टाइम या 3 टाइम ज़्यादा है क्योंकि इसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो हो सकता है ब्रेकआउट को रिटेस्ट करेगा दोबारा और उसके बाद फिर नीचे आके आपको अपसाइड देते हुए दिखेगा। अब दोस्तों इसके साथ साथ मैं इस स्टॉक को हेविली बाय करने की रिकमेंड नहीं दूंगा, ये काइंड ऑफ गैम्बल होगा मेरी तरफ से। अगर आपको बाइंग करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन बजाज का जो ब्रांड है उसके साथ साथ अगर कोई शुगर कंपनी आपको मिल रही है उस प्राइस पे तो मेरे हिसाब से आपको एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको दोबारा कहता हूँ ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहेगा रिकमेंडेशन के लिए, क्योंकि इसमें मेरा एक कंडीशन वॉयलेट हो रहा है। और वो अगर आप देखोगे तो एक ज़माने में 2006 पे हम 450 पे थे और वहाँ से ये गिरावट जो आई है वो आई है सीधा 15 रुपये। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है, जो मैंने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए जो रूल बनाए वो यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। यहाँ पे कोई भी आपको एक बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं दिखेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है जो मैं, जैसा मैंने कहा कि एक बजाज का ब्रांड भी है, और अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक काइंड ऑफ जैसे ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट रीटेस्ट हो गया है यहाँ पे। ये इस जोन में पहले हमने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फिर से नीचे आ गए और इस जोन में आके हमने उसको रीटेस्ट कर लिया। और अगर हम यहाँ से 18 रुपये से ऊपर चले जाते तो हम एटलीस्ट 24 के नज़दीक जा सकते, और अगर इसे तोड़ देते तो फिर मुझे लगता है हम 40 तक जा सकते हैं, 35-40। दोस्तों इसका जो मार्केट कैपिटल है वो है 2000 करोड़ का, हाई हमने लगाया था 24 का, ये 52 वीक हाई। और उसके बाद इनका जो बिजनेस है वो शुगर और पावर दोनों में। दोस्तों जैसा मैंने कहा मुझे सिर्फ इसमें बजाज का जो ब्रांड है वही एक पॉजिटिव चीज़ लगती है, और अगर आप देखोगे तो कॉन्स बहुत ज़्यादा है और जो प्रोज है वो बहुत कम है। तो द्वारकेश मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा। उसके अलावा मैंने आपको और भी स्टॉक दिए हुए शुगर सेक्टर में, यहाँ पे जैसे बलरामपुर हो या कोई भी हो। बलरामपुर मैंने आपको 200 रुपये पे दिया था और तब से उसने एक ग्रोथ दिखाई हुई है जो ग्रोथ मुझे यहाँ पे नहीं दिखी, जो मुझे दिखनी चाहिए थी बजाज हिंदुस्तान में, जो मुझे ट्राइडेंट में दिखी है वो यहाँ पे नहीं दिखी है। अब दोस्तों जाते जाते दो और बोनस स्टॉक मैं आपको दे रहा हूँ। पहला है NBCC जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और मुझे लगता है ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन इसमें दोस्तों ब्रेकआउट आपको इमीडिएट नहीं मिलेगा। हो सकता है हम यहाँ पे थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेंगे और उसके बाद जब ये ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा तब आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, तो उसके बाद मेरे लिए टारगेट बढ़े रहेंगे। 140 रुपये का ये स्टॉक था जो आ चुका है यहाँ पे। तो इस सेक्टर में आपको कई और स्टॉक्स मिलेंगे, चाहे वो LT हो, ओबेरॉय रियलिटी हो, शोभा हो, कोलते पाटिल हो, कई सारे स्टॉक्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक स्टॉक रखना चाहते हो, यानी सारे क्वालिटी स्टॉक्स के साथ अगर आपको एक पेनी स्टॉक उस सेक्टर का ऐड करना है तो फिर आप इसको ऐड कर सकते हो जो इस वक्त इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसको टच करते करते ऊपर जा रहा है और हो सकता है इसी को SL पकड़ के अगर हमें ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे बड़े टारगेट आ सकते हैं। NBCC दोस्तों 46 है और मुझे लगता है यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है SPLIL, ये पूरी तरीके से शॉर्ट टर्म बेट है, ये बजट का बेट नहीं है, लेकिन मुझे इसका चार्ट बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है क्योंकि इसमें कप एंड हैंडल का पैटर्न भी आपको दिख रहा है। और यहाँ से अगर हम एक इस तरह कही कप एंड हैंडल कहिए या एक बड़ा राउंडिंग बॉटम कहिए, और यहाँ से दोस्तों 75 का लेवल अगर क्रॉस हो जाता है तो इन नो टाइम आपको यहाँ पे 100 का लेवल आते हुए दिखेगा। कंपनी जो है वो लीडिंग एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइबर और फैब्रिक और गारमेंट्स का, और टी शर्ट्स, और जो आप देखोगे स्वेट शर्ट या पोलो शर्ट्स, एंड इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड नाइटवेयर ब्रांड्स।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके जो कॉन्स है वो है कि डिविडेंड नहीं पे कर रही है, और जो पुअर ग्रोथ है लेकिन ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और ये जो डेप्टर है ये थोड़े से इम्प्रूव हुए। तो मुझे लगता है चार्ट पे भी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, और डेप्थ अगर धीरे धीरे कम होगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 75 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आ जाएगा। तो ये वो स्टॉक है जो आपको एक क्वालिटी स्टॉक का जो आपका पोर्टफोलियो है, उसके साथ साथ अगर चार या पांच आपको पेनी स्टॉक ऐड करने तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। निफ्टी के लिए मेरा इमीडिएट लेवल रहेगा 17,080 का नीचे के साइड, और ऊपर के साइड मेरा लेवल होगा 17,250 का। बैंक निफ्टी के लिए मेरा लेवल रहेगा 37,450 का, और ऊपर के साइड मेरा लेवल है 37,800 का। बड़ा लेवल है 38,000 का, और नीचे के साइड बड़ा लेवल है 37,000 का। निफ्टी के लिए 16,800 का मेरा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। 16,800 जब तक क्रॉस नहीं होता नीचे के साइड तब तक हम सेफ है, और जो बड़ा फ्री फॉल है, बड़ा क्रैश है, वो तब आएगा जब 16,400 क्रॉस करेंगे। दैट्स इट फॉर गाइस टुडे। आई होप आई क्लियर एवरीथिंग टुडे, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे फीडबैक भी दीजिए कमेंट सेक्शन में कि किस तरह से आपको ये स्टॉक पसंद आए, और अगर नहीं आए तो आपको कौन से स्टॉक इसमें ऐड करने जिसके बारे में आपको व्यू चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। प्रीमियम इन्वेस्टमेंट ग्रुप से साथ अगर आपको जुड़ना है तो उसका लिंक डीमैट अकाउंट का कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच गाइज, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।